बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वीडियो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मुझे अच्छा इंसान बनाए, जो अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनाए और अच्छा मुसलमान बनाए। चुके हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो जब डायस्टॉलिक जो है वो 90 से ज़्यादा हो और सिस्टोलिक जो है वो 140 से ज़्यादा हो तो हाई ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं। और हम इससे पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं कि इसकी अलामात क्या होती हैं, देखेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है या हाई ब्लड प्रेशर होता है। ये कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके ख़ानदान में लोगों को ब्लड प्रेशर है, तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको भी ब्लड प्रेशर हो जाए। ये विरासत मौरूसी होता है। आमतौर पे ब्लड प्रेशर का आरज़ा जो है वो 35 साल की उम्र में लाहक होता है, यानी ये दरमियानी या बड़ी उम्र की तकलीफ़ है। और उसके बाद वो लोग जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा नमक और तली हुई चीज़ें हैं, उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। वीडियो इस दुआ के साथ शुरू करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, मुझे अच्छा इंसान बनाए, जो अच्छा पाकिस्तानी शहरी बनाए और अच्छा मुसलमान बनाए। इसके अलावा वो लोग जिनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि स्ट्रेस लेते हैं, हर चीज़ का दबाव अपने ऊपर लेते हैं, तो के बच्चे क्या कर रहे हैं, गुजारा कैसे होगा, दूसरों से अपने आप का मुवाजना करना, कंपेयर करना, टेंशन लेना, तो उनको भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ। स्ट्रेस से बचने का एक ही तरीका है कि आप अल्लाह को याद करें, और अल्लाह को याद करने का बेहतरीन तरीका है कि अल्लाह को जाने, अपने आप को जाने, अल्लाह की किताब कुरान मजीद को तर्जुमे से पढ़ें, ताकि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए और आप स्ट्रेस ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, उन वो भी स्मोकिंग जो है वो भी हाई ब्लड प्रेशर की एक वजह है। अलावा कुछ ख़वातीन जो होती हैं, वो जब उन्हें हमल ठहरता है तो उसके साथ उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। कुछ ख़वातीन का ब्लड प्रेशर जो है वो वापस नॉर्मल आ जाता है, और कुछ को इसके बाद भी ब्लड प्रेशर की तकलीफ। सिर्फ 5% वजूहात ब्लड प्रेशर की पता है, सही वजह नहीं पता। बहुत सारे लोगों में ऐसी कोई वजह भी समझ नहीं आती, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि ब्लड प्रेशर को कम कैसे किया जा सकता है। आपको इसकी वजूहात जो है वो पता चली होंगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनको कम कैसे, ब्लड प्रेशर को कम कैसे किया जा सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।